ओम शांति। आज मैं फिर से आपको एक नया प्राणायाम सिखाऊंगा जिसका नाम है उजई प्राणायाम। इसका अर्थ है प्राणों पर जय प्राप्त करना। उजई प्राणायाम में क्या होता है, इसमें हल्का सा हमें गले को दबाते हुए मधुर स्वर में खर्राटा लेते हुए श्वास को भरना होता है, और जिससे पूरा हमारे गले में ओल्फैक्टरी कैनल घ्राणी नली होती है जिस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। इस कैनल का जो है डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्रेन से है, जिससे कि हमें शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप में लाभ मिलता है। पूरी मैं इसकी विधि सिखाऊंगा, लास्ट तक आप वीडियो को देखते रहें। इसके अब बेनिफिट्स के ऊपर आते हैं। जो उज्जयी प्राणायाम है, इसके करने से जिनको भी थायराइड इम्बैलेंस है, चाहे हाइपर है चाहे हाइपो है, दोनों ही तरह के थायराइड में अगर आप हर रोज 7 से लेके 21 बार तक, हर रोज दिन में 2 से 3 बार अगर आप इसका हर रोज आप प्रयोग करते हैं, तो आपके थायरोक्सिन की गोली आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा इसका लाभ है कि इससे हमारे चाहे क्या होता, पूरा प्रभाव पड़ता है, जिससे जो सिंगर है स्वर सुरीला बनता है इसके करने से। तीसरा, जिनको भी गले से संबंधी रोग है, दूसरे चाहे टोन्सिल है, कोई हकलाता है, तुतलाता है, या फिर गले में गला बैठ जाता है, कईयों का गले में कफ जम जाता है, इस तरह के जितने भी रोग हैं सब में इसको करना चाहिए। फोर्थ इसका बेनिफिट है, इसके करने हमारे लंग्स में पूरा ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, जिससे जिनको भी अस्थमा की शिकायत है, श्वास लेने में प्रॉब्लम है, उनको भी ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए। पांचवा इसका बेनिफिट है, इससे क्या होता है, हृदय की मसाज होती है। जैसे इसमें कंठ से लेके हृदय तक धीरे धीरे श्वास को विचरण करते हुए देखना है, तो इससे हमारे हृदय को भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ब्रेन की इससे गर्मी शांत होती है, जिनको भी ब्रेन में गर्मी रहती है तो उस तरह की हर प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। जैसे ही आप जो है इसमें क्या है, जैसे ये खुराटा भरते हुए जो है श्वास का घर्षण होता है, उस घर्षण से गर्मी पैदा होती है, और जिससे जिनको भी कफ संबंधी प्रॉब्लम है, यानी नजला, जुकाम, साइनस, बार बार छींके आना, इस तरह की अगर शिकायत है किसी को, कफ प्रवृत्ति का है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ये प्राणायाम है, हर रोज उनको करना चाहिए। वात संबंधी दोष है या पित्त के दोष है, तो सारे ही तीनों ही दोष को त्रिदोष नाशक प्राणायाम, आँख, नाक और गले, तीनों के ही दोष इससे दूर होते हैं। मिर्गी का दौरे पड़ते हो तो उसमें भी ये प्राणायाम लाभ करता है। किसी को आम वात है या वात से संबंधी कोई दोष है, तो सभी तरह के दोषों में इस प्राणायाम को आप कर सकते हैं। अब इसकी पूरी टेक्निक के ऊपर आते हैं कि इस प्राणायाम को कैसे होते हैं, जो इस प्राणायाम को कर नहीं पाते हैं, आवाज़ वो जो निकलनी चाहिए वो निकालने में असमर्थ होते हैं, तो उनकी पूरी मैं टेक्निक बताऊंगा कैसे उनको करना चाहिए। पहले देखिए, सिट इन ए रिलैक्सेशन पोजिशन एंड स्पाइन विल बी योर स्ट्रेट। आंखें आप बंद रखें, दोनों हाथों को आप किसी भी मुद्रा में रख लें, और धीरे से हमारे अपने इस गले को हल्का सा दबाना है। जैसे जैसे आप किसी को जरा सा धीमी आवाज में बोलते हैं, जैसे ऐसे बोलते हैं, तो ऐसी आवाज जो है गले से हमें थोड़ा सा हल्का दबाते हुए भरनी है। देखिए कैसे, अंगूठा दाई नासिका पर रखते हुए बाएं ओर से हमें श्वास को निकालना है। जीभ को आपने ऊपर की ओर, तालू की ओर मोड़ के रखनी है, लगा के रखनी है। एक बार और देख लें इसको, जीभ को ऊपर तालू की ओर लगाइए।
इसमें हमने हमेशा लेफ्ट नोस्टल से ही जो है श्वास को निकालना होता है। इसका रीजन ये है कि जैसे आप ये घर्षण होता है, हीट पैदा होती, हीट जनरेट होती है, और हीट जिससे हमें हमें लेफ्ट नोस्टल से यानी चंद्र नाड़ी से श्वास को बाहर निकालना चाहिए। कई है ऐसे जो समर्थ नहीं है आवाज़ निकालने में, तो उनके लिए कपोत उज्जयी प्राणायाम किया जाता है। कपोत उज्जयी इससे पहले कुछ दिन अभ्यास करें, उसके बाद जो है आप पूरा उज्जयी प्राणायाम पे आ जाइए। देखिए कपोत उज्जयी कैसे करते हैं। इसमें क्या, हमने जीभ को मोड़ना है और छोटा छोटा श्वास भरना है और छोड़ना है। देखिए छोटा छोटा जैसे कबूतर की तरह आवाज हमने निकालनी है। फिर धीरे धीरे इसको हमने लंबा करना है, जैसे पहले तो आपने बगैर बंद के करना है, और जैसे जैसे आपका अभ्यास हो जाए उसके बाद आपने त्रिबंध के साथ इसका अभ्यास करना है। जितना हो सके इतना बंद लगाना है, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना। इसमें ध्यान दें, अस्थमा है या फिर गुलम है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उनको बंद बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो ये तो थी पूरी विधि, इसकी टेक्निक इसकी। इसमें ध्यान क्या रखना है, आपकी जो आवाज है वो जो खराटे की जो आवाज है वो बड़ी सुरीली होनी चाहिए। उस पर ज्यादा आपने प्रेशर नहीं लगाना है ज्यादा, और जितना हो सके बंद उतनी ही देर आपने लगाना है। तो योग के साथ साथ, प्राणायाम के साथ साथ आप अपनी इमोशनल इम्यूनिटी का भी ध्यान रखें। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, क्रिएटिविटी करें नई नई चीज़ों की लॉकडाउन के अंदर, ताकि जो है आप अपने आप को, अपने एबिलिटी को, अपने जो है टैलेंट, नई नई चीज़ें सीखें। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज चले हुए हैं, राजयोग मेडिटेशन सीखिए। ऑनलाइन जो है राजयोग मेडिटेशन सिखाया जा रहा है, अगर किसी को सीखना है, इंटरेस्टेड है, तो आप अपना नंबर दीजिए, हम आपको राजयोग कोर्स में डाल देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वो किया जाता है। ओम शांति। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।